फ्रेंड्स, इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। फ्रेंड्स, क्या आपने सोचा है कि पीएफ फुल एंड फाइनल निकालने का सही समय क्या होता है? क्योंकि ईपीएफओ आपके द्वारा जो भी धनराशि जमा होता है आपके पीएफ अकाउंट में, उसका जो भी ब्याज होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का वो साल में एक बार ही आपके पासबुक में ईपीएफओ जमा करवाता है। ऐसे में यदि आपने अपना पैसा ब्याज मिलने से पहले यानी कि मार्च से पहले ट्रांसफर किया तो क्या होगा? ऐसा ही सवाल पूछा है मिस्टर किशन जी ने। इनका कहना है कि सर, यदि ईपीएफ का सारा अमाउंट निकालने के बाद मार्च तक का ब्याज यानी कि इंटरेस्ट बाद में हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तक ईपीएफओ ने पासबुक में मार्च 2020 तक का इंटरेस्ट अपडेट नहीं किया। फ्रेंड्स, यदि आप भी जानना चाहते हो, लाभ उठाना चाहते हो, तो कृपया इस वीडियो में बिना स्किप के लास्ट तक बने, इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। सबसे पहले हम यहाँ पे पासबुक को ओपन कर लेंगे, मेंबर का जो भी पासबुक है। तो यहाँ पे हमने यूएन नंबर एंटर कर लिया, पासवर्ड एंटर कर लिया, और यहाँ पे जो भी एक कैलकुलेशन है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है और उसके बाद लॉगिन कर लेना है। देखिए, पासबुक में हम देखेंगे कि क्या आपका जो भी परिवर्तन होना है होता है, कब ब्याज आपको मिलता है जब आप फुल एंड फाइनल करते हैं। तो सबसे पहले हम पासबुक यहाँ पे सेलेक्ट हमने कर लिया, चलिए ये कर लेते हैं। और उसके बाद देखिए, पासबुक में हम देखेंगे तो बिल्कुल पैसा नहीं है, यहाँ 00 रुपये है। और उसके बाद यहाँ पे क्लेम स्टेटस में भी देखेंगे, देखिए क्लेम स्टेटस में यहाँ पे 17,174 रुपये जमा है। इनका जो मैनुअल पासबुक हमने डाउनलोड किया हुआ है, यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, ये निकासी हो चुकी है और यहाँ पे 00 रुपये यहाँ पे दिखा रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जान लेते हैं कि आपका जो इंटरेस्ट है उसके साथ क्या होता है, कब आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, इन्होंने जो पैसा विड्रॉल किया है वो 24 मई 2019 को किया हुआ है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका जो अमाउंट है यहाँ पे अपडेटेड अप टू इंटरेस्ट, यहाँ पे INT करके लिखा हुआ आता है जब भी आप पासबुक अपना चेक करेंगे। तो ये एक साल में एक बार ही आता है। देखिए, ये 31 मार्च यहाँ पे अपडेट हो चुका है। इनका जो भी यहाँ पे ब्याज बनता था 1,021 रुपये प्लस 312 रुपये, ये इनका ब्याज बनता था इनके सारे अमाउंट्स पे, तो ये इनको मिल गया है। लेकिन अभी क्या है, इन्होंने कब क्लेम अपना ट्रांसफर किया है, आप देख सकते हैं 24 मई 2019 को इन्होंने कर लिया, यानी कि लगभग 2 महीने हो चुके हैं। क्या 2 महीने का इनको ब्याज मिलेगा? तो देखिए, ईपीएफओ क्या करता है, जब आप फुल एंड फाइनल करते हैं तो ये जो ब्याज जो भी बनता है ना अगले महीने का, वो अगले साल का जो भी आपका ब्याज बनता है वो पैसा आपका आपके पासबुक में पहले से ही ऐड कर लेता है जब आप अमाउंट को ट्रांसफर करते हैं। क्योंकि फुल एंड फाइनल जब करते हैं तो उसमें कोई अमाउंट तो डालना नहीं होता है। ईपीएफओ ये क्लियर कर देता है कि आपका कितना अमाउंट बनता है, वो टोटल के टोटल अमाउंट आपको दे देता है, एक रुपया भी अपने पास नहीं रखता है। ये देख सकते हैं, ये जो इम्प्लॉई है इनका जो इंटरेस्ट बनना था ये 2020 में, ये 31/3/2020 को जो इंटरेस्ट जमा होना था, हालांकि इन्होंने अपना पैसा पहले ही निकाल लिया। तो जो भी अब तक पैसा बना हुआ है इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट यहाँ पे ईपीएफओ ने ऐड कर दिया है। अब देखिए, यहाँ पे ये जो 31/3/2020 है ये इंटरेस्ट ऊपर होना चाहिए, ऊपर तब होता जबकि 31/3/2020 के बाद या फिर तब इनका इंटरेस्ट जमा होता। हालांकि 2019 में ही 31/3/2019 ये 19 में ही जमा हो गया है, मार्च में ही जमा हो गया है, तो इसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट आपका शो हो रहा है कि यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट आपका बनता है ना वो पैसा पहले ही ईपीएफओ आपके पासबुक में भी ऐड करता है और उसके बाद फुल एंड फाइनल आपके अकाउंट में भी आता है। आप देख सकते हैं ये टोटल पैसा आप जोड़ेंगे, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कि ये जो कितना कितना अमाउंट जमा है, आप इसमें कैलकुलेशन कर लीजिएगा एक एक चीज, और तब आपको पता चलेगा कि ये 92 रुपये जो भी, देखिए इतना पैसा बना हुआ है, ये एम्प्लॉई शेयर दोनों का अलग अलग यहाँ पे इंटरेस्ट मिला हुआ है। आप देख सकते हैं ये अलग अलग पैसा और अलग अलग इंटरेस्ट बना है, या 92 रुपये एक से अब तक का बना है और 28 रुपये ये बना है, टोटल जोड़ के आपका 17,053 रुपये के आसपास होता है। और भी कुछ अमाउंट होता है जब निकालते निकालते, तो वो टोटल मिला के यहाँ पे ईपीएफओ ने जो आपका अमाउंट यहाँ पे अप्रूव्ड किया है वो किया है 17,174 रुपये। यानी कि अब आपको डाउट क्लियर हो गया, वो आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, आपका जो इंटरेस्ट जो भी बनता है ईपीएफओ आपको पे कर देता है, अपने पास कुछ भी नहीं रखता है।
तो फ्रेंड्स आई होप कि आप समझ पाए होंगे। फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से आप और क्या क्या जानना चाहते थे जो कि मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उसका रिप्लाई मैं जल्द जल्द देने का प्रयास करूंगा। फ्रेंड्स इससे रिलेटेड और भी ज्यादा वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। यदि आपके मन में भी कोई भी क्वेरी किसी प्रकार के क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं देने का प्रयास करूंगा। फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आपका जो रिप्लाई है आपके कमेंट्स का वो एक डेडिकेटेड वीडियो बना करके देना चाहिए जिससे कि और भी ज्यादा लोगों की हेल्प हो सके। फ्रेंड्स यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।